हनीफ चरगा हाउस चौक रंग महल लाहौर पे हम पहुंच गए। अलग ही तरीका है भाई ये, और लाहौर में आपको मिलता है इस तरह का ये तवा पीस। सत श्री अकाल भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। हाईलाइट ऑफ द डे जो थी ना वो सबसे आखिर में आई है, ये फालूदा दूध फालूदा। ये बोतल जो है ना, ये कुछ इसका डिजाइन मुझे, वाह अरे वाह, दूध की बोतल है भाई ये, दूध की बोतल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और हम मौजूद हैं भाई अंदरून लाहौर में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दिल्ली गेट, और लाहौर के अंदरून की जो है ना वो अलग ही बात है, अलग ही वाइब है। और आज हम रात में आए यहाँ पे, इससे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ दिन के अंदर। यहाँ पे अंदर जाके वज़ीर ख़ान मॉस्क है, उसके आगे फिर खलीफा नान खताई है, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिल रही होती हैं। और रात में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही अलग ज़बरदस्त किस्म का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे, मुख्तलिफ स्ट्रीट फूड, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। देखिए मैं इसलिए रुक गया, मैं रिटर्न आया, मैंने कहा यार पता नहीं मेरा धोखा है। मैं बेसिकली खुद कराची से हूँ, लियाकताबाद। अच्छा, डाकाने से। अच्छा 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 अच्छा, बहरहाल बड़ी खुशी है आपको आया। कुछ बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। भाई काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया है इस पूरी जगह को, बिल्कुल जो है ना, क्योंकि सकाफती वरसा है ये हमारा, और बहुत अच्छी लाइटिंग भी हो गई है प्रॉपर तरीके से। ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ से लेफ्ट पे जाएं तो मुगलिया दौर की कदीम चीज़ें आती हैं, शाही हमाम। शाही हमाम यहाँ पे आता है, उसकी डिटेल वीडियो जो है ना वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। गोल गप्पे मिल रहे हैं भाई, गोल गप्पे बड़े सॉलिड तरह के गोल गप्पे लग रहे हैं ये तो यार। आपको पता नहीं अल मशहूर मौलवी गोल गप्पे है? हाँ जी, ये तो वो वहाँ पे भी है ना? नहीं, ये अपने ही ब्रांड है, ये अपने ही ब्रांड है। मौलवी तो वो वाला ब्रांड है ना, मौलवी को ये गोलगप्पे नहीं है ना। अच्छा ये देखें भाई, ये है दिल्ली गेट के अंदर का माहौल। अभी जो है ना भाई, ना ईद है, ना बकरीद है, ना रमज़ान है, लेकिन ऐसा लग रहा है जो रौनक है ना माशाल्लाह यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज चांद रात वाला माहौल बिल्कुल बना हुआ है। दुकानें जो हैं वो अभी भी खुली हुई हैं, कुछ क्लोज़ हो रही हैं, क्योंकि रात के तकरीबन इस वक्त 9:15 बज रहे हैं, 10 बजे तक सारी दुकानें वकानें बंद हो जाती हैं। और क्या बात है इस रौनक की भाई, माशाल्लाह ये हाथ गाड़ियां चल रही हैं अभी भी। हाँ, असलम कबाब एंड नान शॉप, कहाँ हैं असलम भाई? कहाँ हैं असलम भाई? चले जाते हैं, चले जाते हैं जी। लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो इस जगह से मैंने ये अंडा टिक्की वगैरह खाया था दोपहर में, और काफ़ी मज़ेदार था। अभी तो चले गए, ये मेरी वीडियो से निकाली हुई लग रही है। चलो जी, ये रखी हुई टिक्कियाँ भाई। ये वीर जी की कॉस्मेटिक सेंटर है, ज़रा अंदर चल के बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, ज़बरदस्त। ये भाई सिंध की सकाफत अजरक भी मिल रही है यहाँ पे, सब सेट। दुकान बंद कर रहे हैं, टाइम हो गया बंद करने का। चलो जी, और ये सामने आ गई है भाई मस्जिद वज़ीर ख़ान, वो सामने आपको नज़र आ रही है मस्जिद वज़ीर ख़ान। और अभी रात का टाइम है, लाइट भी गई हुई है तो अंधेरा है इधर। और यहाँ चौक के ऊपर जो है ना वो चारों तरफ माहौल बना हुआ है, एक तरफ जो है ना वो चरगे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन लाइट गई हुई है, मसला ये है। ये भाई सिंह सरदार मेकअप पॉइंट, कैसे हैं भाईजान आप? आप ही हैं सिंह सरदार, जबरदस्त। कितनी पुरानी दुकान है ये? ये सर जी अभी न्यू खोली है, पहले हमारी ब्रांच गुलबर्ग में हुआ करती थी। अच्छा, हम इधर शिफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, और आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। जबरदस्त, कुछ टाइम पे नहीं, बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? भाई ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप है सारी सरदार भाइयों की है, है जी? ज्यादातर यही आपको मिलेंगे सर। हाँ जबरदस्त यार, बड़ी खुशी हुई देख के, माशाल्लाह। हम कराची से आए और सब ठीक ठाक, बस जबरदस्त। चले
भाई यहाँ पे हम पहुँचे थे ना तो यहाँ पे चली गई थी लाइट और एक घंटे के बाद तकरीबन लाइट आई है। उस दौरान हमने ज़रा चाय वाय पी ली क्योंकि बगैर लाइट के तो यहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। और अभी भी यहाँ पे देखें आपके चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं भाई, यहाँ चूड़ियाँ का माहौल बना हुआ है। और ये जो है ना ये इधर चौक के ऊपर ये ज़रा खाने पीने के सीन बने हुए हैं। इधर आ गए देखते हैं ज़रा यहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, कैसे हैं, क्या चीज़ है ये? चने की दाल का हरीसा बना हुआ है। चने की दाल का हरीसा? हाँ जी। अरे भाई वाह वाह वाह, चने की दाल का हरीसा, कलेजी, तवा कीमा। और उधर क्या मिल रहा है भाई? उधर ये चरगा। कैसे हैं भाई? ठीक है, जबरदस्त। आइटम क्या क्या है ये? वो क्या चीज़ है? वो पाले जो सामानों की सैर करता है ये खा। अच्छा, विंग्स है? विंग्स ये विंग्स भी हैं, ये विंग्स ये हैं। हाँ, पर ये हैं। अच्छा, पर हैं ये? क्या मतलब? ये पर है, ये देखो, ये बोले। अच्छा अच्छा, ये कोने वाले जो होते हैं साइड वाले ना, वो सामानों की सैर करता है। सामानों की से कहेंगे, आसमानों की सैर करता है, पर खा के सामान से उड़ नहीं जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। और उधर वो क्या दाल टिक्की? दाल अंडा, शामी अंडा, चिकन कीमा, तवा पीस, चिकन पीस, टिक्का बोटी, उधर बना के देंगे। सारी चीज़ें बन रही हैं भाई यहाँ पे, बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ये क्या हिसाब होता है? ये जो विंग्स हैं ये क्या हिसाब होते हैं? विंग्स 60 रुपए का। अच्छा, एक विंग 60 रुपए का। और ये पर जो है वो जो है 50 रुपए के दर्जन। 50 रुपए के दर्जन पर। ये तो विंग है, ये तो विंग है ना। अच्छा, ये पूरा है? हाँ, ये पूरा विंग है। अच्छा, ये पूरा 60 रुपए का एक है और ये 50 रुपए के दर्जन है। 50 रुपए के दर्जन है। कैसे तो बात ही अलग है, आते रहते हैं। लाहौर हमारा अपना है, लाहौर लाहौर है। आपकी वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आपको मजीद बरकत दे। थैंक यू। और ये ड्रम स्टिक कितने की है? ये 100 की। 100 की? 100। क्या ट्राई कर ले इसमें? आप मेरी माने ना, विंग्स खाएं और स्टिक खाएं, खा के फिर मुझे बताएं। सही है, खा के फिर मुझे आप एक एक स्टिक दे दें, ये एक ड्रम स्टिक दे दें और एक विंग दे दें। चेक कर लें हम। इसमें मसाला चरगे वाला ही होता है? नहीं नहीं, मसाला जो चरगे वाला है उसको, उसमें मसाला चरगे वाला है। जो तवा पीस बनाते हैं उसका मसाला अलग है। अलग है। अंडा शामी का मसाला अलग है। अच्छा, चिकन कीमे का मसाला अलग है। सही है। वो जो क्रेजी बनाते हैं तवे के ऊपर, ये तो सारा चरगे वाला सीन है ना? ये चरगे वाला सीन है, चरगे वाला। ये जो एक मरतबा खा लेते हैं ना, वो खुद ही आ जाता है। बेहतरीन। फ्राई हो रहा है भाई ये विंग हमारा, और ये हो रही है ड्रम स्टिक। ये क्या चीज़ बनी है पीछे गुम्बद का? ये दीनानाथ कुआं। कुआं? कुआं दीनानाथ। क्या हिस्ट्री है इसकी? ये हिस्ट्री की वो देखो लिखी हुई है वो तख्ती में। भाई ये जो सारे खाने वाले भाई बैठे हुए ना, हमने अपना ड्रम स्टिक और विंग का ऑर्डर किया, ये बैठे हैं दीनानाथ कुआं के सामने। और ये दीनानाथ कुआं जो है इसकी हिस्ट्री सारी यहाँ पर लिखी हुई है। सूबेदार थे शाहजहाँ दौर के हकीम अलीमुद्दीन, उन्होंने जब इस वज़ीर ख़ान चौक की बुनियाद रखी तो यहाँ पे जो है ना ये पूरी एक चौक बनी और यहाँ पे एक कुआं खुदवाया गया जो वक्फ हो गया, यहाँ से पानी निकलता था। 1635 में जो है ना, 500 साल पहले, तकरीबन 500 साल पहले ये कुआं यहाँ पे खुदवाया गया था, जो कि अब बंद हो गया है। लेकिन क्या शाहकार आर्किटेक्चर है, और चौक जो उस वक्त आबाद किया गया था आज भी उसकी रौनकें उसी तरह अपनी आबोताब के साथ जो है वो जारी और सारी हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान हमारे सामने, लाइटें तो उसकी बंद हो गई हैं लेकिन रौनक बड़ी ज़बरदस्त है। और मेरी जो ड्रम स्टिक और विंग्स है वो भी रेडी हो गए, आके खा लेते हैं। आ जाए, हो गया भाई जान, हो गया, दे दे मुझे, दे दे। ये आ गई भाई हमारी ड्रम स्टिक और ये हमारा विंग, और इस पर आएगा ये ज़बरदस्त सा चाट मसाला। ओए होए होए होए, चाट मसाला नहीं, ये अपना मसाला बनाऊंगा। अच्छा, ये आपका मसाला है, चरगा मसाला। आप क्या, आपका नाम क्या है? चांद। चांद भाई, चांद भाई, चांद नवाब तो नहीं है? चांद नवाब भाई। ये बहुत ही गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो जाए ज़रा। चांद भाई आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 40-50 साल हो गए। 40-50 साल इसी चौक पे? वाह यार, ये यही चरगा लगा रहे 40-50 साल? चरगा। तो भाई ये चांद भाई का जो चरगा है ना, ये तकरीबन 40-50 साल पुराना ये चरगा है, फ्राइड। और लाहौरी चरगा तो वैसे ही मशहूर है, पिछली बार हमने कोशिश की थी, हमें मिला नहीं था। आज अभी ये वाला ट्राई करने के बाद एक और
आगे भी है रंग महल पे, वहाँ पे भी जाना है, लेकिन ये टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जान भाई बहुत आला है, बहुत ही चटपटा ज़बरदस्त सा है। और चरगे बारबेक्यू वगैरह तो भाई ऐसे ही खाने के होते हैं। कोई चटनी भी है क्या? ये केचप और चटनी रायता भी आ गया भाई। असल जो साइंस है ना भाई, वो माहौल की होती है। यही चरगा आप घर पे लेके जाएंगे ना, तो वो बात नहीं आएगी जो यहाँ दीनानाथ कुआं के सामने मस्जिद वज़ीर खान के दामन में खड़े होके ये चरगा खाने के, चांद भाई का चरगा खाने में जो बात आएगी, बहुत ही मज़ेदार है। बहुत आला भाई, आगे चलते। ये उल्टे यहाँ पे पूरी मस्जिद वज़ीर खान चल रही है, 500 साल पुरानी मस्जिद, 500 साल पुराना मुगलिया आर्किटेक्चर, क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, क्या है खाने में? भाई खाने में काले चने हैं करके बने हुए। अच्छा, फनिया की मैं और ये थोड़ी बनी है, दाल माछ और पुलाव है। दाल माछ और पुलाव है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। किस वक्त आप लगाते हैं? रात में आके? रात को 9:30 जब दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ जी, तब उसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतरीन भाई। ये देखिए, रात में जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो ये सारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं ये यहाँ पे अपने स्टॉल्स ला के लगा लेते हैं दुकानों के आगे। मुख्तलिफ तरह के घर के बने हुए खाने मिल रहे हैं और काफ़ी चीप प्राइस के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दाल चावल? हाँ जी। घर के बने हुए सारे? घर के सारी चीज़ें। आप ही रात में ही आते होंगे, लगाते होंगे? बेगम पकाती है। बेगम पकाती है, अरे वाह भाई वाह। ये कौन सी सब्ज़ी है? खुशबू भी बड़ी घर के खानों जैसी आ रही है। घर के खानों में जो खुशबू होती है ना, वही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़। कितने की दाल चावल की प्लेट कितने की है? 50 रुपये की एक दाल चावल की प्लेट है भाई। इससे ज़्यादा और सस्ता खाना तो भाई हो नहीं सकता। और सब्ज़ी भी है यहाँ पे, मुख्तलिफ तरह की, दो तीन तरह की दालें हैं, चावल हैं, उधर भी डिफरेंट तरह के आइटम्स थे और लोग खाना खा रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या पाए मिल रहे हैं? हाँ जी। कौन से पाए? बड़े के? गोंग है। गोंग है, अच्छा अच्छा गोंग। तो देखिए आप, पीछे तक लोग बैठे हैं जो है ना, वो पाए खा रहे हैं। रात हो या सुबह हो, पाए का माहौल जो है ना वो बना रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या बन रहा है ये? ये रबड़ी खीर। रबड़ी खीर, क्या बना रहे? रबड़ी फलूदा। फलूदा? जी जी। अच्छा अच्छा, रबड़ी फलूदा। ओए होए होए होए, ये भी तैयार हो रहा है? और ठंडा वाला इसमें? मीठा दूध। मीठा दूध है, ओए हो। ये भाई देखो, ये तैयार हो रहा है। ये फलूदे का जो है ना वो दूध तैयार हो रहा है। दूध, सोडा, ठंडा दूध, रबड़ी दूध, फलूदा, ये सारे आइटम यहाँ मिल रहे हैं। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप पे। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, अंदरून लाहौर, दिल्ली गेट, रंगमहल चौक। रंगमहल चौक पहुँच गए, रंगमहल चौक चलते चलते। स्पेशल फलूदा तैयार किया जाता है। बहुत आला। अभी ज़रा आगे से चरगा खा। चरगा किसका आगे अच्छा है? ये पीछे छोटे चरगे वाला अकबर सुल्तानिया। हाँ, वो चरगा खा के आपके पास आते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, आप वहाँ से अभी हम चलते हुए आए हैं, वहाँ पे एक दुकानों के बाहर स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे ये प्रॉपर जो है ना वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। बहुत ही लोकल जो है वो फूड स्ट्रीट है ये। पीछे रोटियाँ तैयार हो रही हैं, यहाँ पे चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है और इधर क्या बन रहा है भाई? इधर भी कढ़ाई वढ़ाई बन रही है, गुर्दे का पूरे टकाटक। ये देखें जी, आप बाहर है ना, ये सारे लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं और सारे जितने भी यहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब काफ़ी चीप प्राइस के अंदर यहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है। ये देखें भाई आप, ये सब्जी बन रही है यहाँ पे, ये बना हुआ है मॉल, हनीफ चरगा हाउस चौक रंग महल लाहौर पे हम पहुँच गए हैं।
भाई दिल्ली गेट से अंदर आते हुए घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं चौक रंग महल के ऊपर, और आपने देखा कैसा ज़बरदस्त सीन है। और जो अल्टीमेट यहाँ पे जो क्लाइमेक्स है ना, वो यहाँ पे है कि यहाँ पे पूरे चरगे यहाँ पे रखे हुए हैं, और एक नहीं बल्कि 3-4-5 तसले यहाँ रखे हुए हैं, नान फ्राई हो रहे हैं, टकाटक बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हनीफ चरगा हाउस के ऊपर माहौल बना हुआ है, और क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की रहमत से। भाई ये क्या जबरदस्त चरगे का सीन बना हुआ है, क्या सीन है ये, क्या आपका मसाला है, क्या सीन है? बड़ा अच्छा मसाला है, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। आपका नाम है हनीफ? नहीं जी, वालिद साहब का नाम था जी। अच्छा, वालिद साहब का, कब शुरू किया उन्होंने ये? उन्होंने ये 1980 में 1980 में माशाल्लाह काफी टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात में ही लगाते हैं आप? शाम में? रात शाम 6 बजे से रात 3 बजे तक। रात 3 बजे तक? क्या जबरदस्त ये हनीफ चरगा के ऊपर माहौल बना हुआ है भाई, चौक रंग महल में। तो चरगा ही होता है आपके पास, और भी चीजें होती है? तवा पीस होता है, टिक्का बोटी फ्राई होती है भाई, लेकिन वो मसाला चरगे वाला ही होता है। ये चीज स्पाइसी है, सारी चीजें स्पाइसी है, यानी कि फुल चिकन ले आप या पीस ले लें, आपकी मर्जी है। क्वार्टर ले, हाफ ले, सब कुछ मिलेगा जनाब। हाफ ले। फुल चरगा कितने का है? फुल चरगा 960 का भैया जी। अच्छा, 960 का फुल चरगा। अच्छा जी, अंजुम भाई जो है ना, वो माशाल्लाह काफी मसरूफ चल रहे हैं, और जबरदस्त ये चरगों पे चरगे निकलते जा रहे हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5 जो है ना, वो बड़े बड़े तसले यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अंजुम भाई, ये आपके चरगे में ऐसा क्या खास बात है जो माशाल्लाह रश लगा हुआ है? बस अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है, बस ये कहना। मसाला कोई आपका खास है? रेसिपी तो अपनी सब अपनी है ना, वो तो तवा पीस कितने का है अंजुम भाई? 350 का भैया। और क्वार्टर चरगा? क्वार्टर लेग पीस 240 का, सीना 260 का, 2-4 का। जो तवा पीस है वो जरा 350 का भैया। हाँ, उसमें जरा दही वही डल रहा है, जरा मसाले उसके अलग है। अलग है जी भैया। हाँ, तो ये दे तवा पीस अलग चीज़ है भाई, बाकी जो है वो चरगा है और तवा पीस है। ओके, मसाला लगा के जो है ना, ये जो नान फ्राई होते हैं ना, ये इसी तवा पीस के का जो मसाला होता है उसी में फिर इसको फ्राई कर दिया जाता है, और फिर तवा पीस के साथ रख के ये नान जो है वो मज़ेदार तरीके से ये सर्व किए जाते हैं। अलग ही तरीका है भाई ये, और लाहौर में ही आपको मिलता है इस तरह का ये तवा पीस। ये हो गया पार्सल, ये हमारा लग रहा है, ये आपका लग रहा है, बड़ी मेहरबानी। ये मिर्चें आई हैं ज़बरदस्त तरीके से, ये पहले से थोड़ा सा ग्रिल करते हैं, फ्राई करते हैं, फ्राई करते हैं थोड़ा सा, पहले से ये फ्राई हुआ हुआ है, उसके बाद फिर इसके ऊपर ये मिर्चें डाली गई हैं, और ये मिर्चें डालने के बाद जो है ना, ये आएगा इसमें, ये आया, ये असल आइटम जो है ना, ये रेसिपी, ये मसाला होता है दही का जो बनाया जाता है, और इसके अंदर फिर इसको जो है वो तवे के ऊपर एक दफ़ा फिर ट्रीट किया जाता है, ये चीज़। अब ये बनेगा तवा पीस आरिफ चटखारा स्टाइल, क्योंकि असल में ये उन्हीं की रेसिपी है आरिफ चटखारा की, तो इस नाम से ही ये जाना जाता है, पहचाना जाता है तवा पीस। लेकिन अब और भी लोगों ने, हनीफ भाई ने भी शुरू कर दिया है। ये हो गया जी तवा पीस तैयार, चरगा हमारा तो फ्राई हो रहा है अंजुम भाई, पर 2 मिनट में हमारा चरगा भी तैयार हो रहा है। ये आ गया जी हमारा फुल चरगा और तवा पीस। फुल चरगा मंगवाया हमने और एक हमने मंगाया तवा पीस। पीछे भी हमने चरगा चेक किया था, वो भी मज़ेदार था, लेकिन ये जो हनीफ चरगा है रंग महल पे, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और आपको नज़र आ रहा है कि रश जो है यहाँ पे कैसा है। तो लेकिन पहले मैं टेस्ट करता हूँ ये तवा पीस। ये तवा पीस जो है ना भाई, ये होता है अलग आइटम। ये एक हरी मिर्च जो है ना, इसके ऊपर ये डालनी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने खाया है नान के साथ, थोड़ा सा बगैर नान के टेस्ट करता हूँ ये विंग वाली साइड जो थोड़ी जूसी होगी। तवा पीस हमने खाया है, इसका रिव्यू देता हूँ, लेकिन पहले ज़रा चरगा भी हाथ के हाथ टेस्ट कर लूँ। ये देखें भाई आप, ये फुल चरगा है और ये 2 टुकड़ों में हुआ हुआ है। ये बोन जो है ना, वो ऐसी हो रही है कि ये हाथ में आ गई मेरे। ये देखें आप, ये देखें, मैंने हल्का सा हाथ लगाया है और पूरी बोन जो है वो हाथ में आ गई है।
इंतहाई गला वो चरगा है ये भाई। चरगा जो होता है ना असल में होता ही लाहौरी है। कराची में भी जो चरगा मिलता है वो लाहौरी चरगे के नाम से मिलता है। और पहले मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, नहीं मिला, लेकिन अभी हम आ गए हनीफ चरगा पे। इसके अलावा और भी चरगे हैं यहाँ पे जो काफ़ी मशहूर है। पीछे भी हमने चौक पे एक खाया, इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्ला। भाई ऊपर ऊपर तो मसाला था लेकिन अंदर थोड़ा मसाला डालने के लिए मैंने और मंगवाया है। ये आप चेक करें, ज़बरदस्त मसाला चरगे के ऊपर हमने डाल दिया है। और ये अब जो माहौल बनेगा ना तो ये मज़ा ही आ जाएगा। ये चेक करें आप। भाई कराची वाले थोड़े मसाले के ज़्यादा शौकीन होते हैं। लीमू है, लीमू लीमू है। तो थोड़ा सा लग रहा था ना कि यार क्या 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 चीज़ मिसिंग है, तो वो एक लीमू है जो इसके अंदर मुझे मिसिंग लग रहा है। क्योंकि चरगे के ऊपर ये मसाला डाल के जब आप लीमू का एक तड़का लगाते हैं तो अल्टीमेट हो जाता है, लेकिन लीमू जो है वो ये नहीं है। तो खैर चलो, लीमू होता ना तो और मज़ा आता। जहाँ तक बात है तवा पीस की, तो तवा पीस उसको मुनासिब लगा क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है आरिफ चिड़खारा का, तो वो वाली बात तो ज़ाहिर है इसके अंदर नहीं है। लेकिन इनके अपने मसाले हैं, उन्होंने अपने तरीके से उसको उसके जैसा बनाने की कोशिश की है, तो अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा चरगा इससे ज़्यादा बेहतर है, जो कि ऑब्वियसली इनकी अपनी एक पहचान है, इनकी अपनी डिश है। तो चरगा नो डाउट बेहतरीन है और ये तवा पीस भी ट्राई करने के लिए अच्छा है। और चाहे वहाँ पे खाएं चाहे यहाँ पे खाएं, जहाँ आपका दिल चाहे खाएं, दोनों चरगे मुझे मज़ेदार लगे। और जहाँ से हम वॉक करके आए ना, सारा सीन तो वो था भाई, वो कि लाइट चली गई थी और दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन गलियों में घूमने का मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। पीछे हमने देखा था फालूदा, तो चरगा खा लें फिर फालूदा खाना तो बनता है। देखें आप, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पे रौनक जो है ना वो वैसे ही है। एक यहीं पे जो है ना भाई ये कस्टर्ड भी मिलता है, जो कि सुना है काफ़ी फेमस है, बड़ा मशहूर है। कि आपका कस्टर्ड क्या ख़ास बात है इसमें है? बच्चा नहीं, भाई से पूछूं। अच्छा आपसे पूछूं। अच्छा भाई आप बताएं। खास बात यही है, होम मेड है। होम मेड है और उसके अलावा हम इसके अंदर फ्रेश फ्रूट डालते हैं। हाँ, उसके बाद एप्पल हो गया, बनाना हो गया, फ्रेश क्रीम डलती है। ओके ज़बरदस्त। तो एक 100 वाला दे यार हमें भी ज़रा। ये भाई कस्टर्ड का सेटअप लगा हुआ है। तो ये किशमिश भी आ गई इसके ऊपर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। रात में 8 बजे शुरू होता है और रात 3 बजे तक चलता है। बिस्मिल्ला। भाई बात यही है कि बिल्कुल ठंडा है, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा फ्रेश, जो फ्रेशनेस कहा है ना, नहीं बिल्कुल फ्रेश होता है, तो वाकई फ्रेशनेस लग रही है। कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? 25 साल। मेरे भाई लगाते हैं। हाँ, 25 साल से ये कस्टर्ड लगा रहे इसी जगह पे? इसी जगह। अच्छा गुड़ यार, 25 साल से कस्टर्ड का सीजन, वाह। मज़ेदार है ये बोतल जो है ना, ये कुछ इसका डिज़ाइन मुझे, वाह अरे वाह, दूध की बोतल है भाई ये, दूध की बोतल। वो फालूदा है, फालूदा खत्म हो गया है? खत्म हो गया? नहीं यार, सुबह सुबह तो अभी तो आप बना रहे थे, बना रहे थे, अब सुबह इस्तेमाल होगा ना। अच्छा ठंडा होने रख दिया है? ठंडा होने रख दिया। तो वो किस वक्त मिलता है? वो सुबह के टाइम। अभी क्या मिल रहा है? अभी ठंडा दूध सोडा, दूध सोडा, ठंडा दूध। वो यार कस्टर्ड भी खा लिया हमने, अब दूध भी पियेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना? हम तो समझे गए वो फालूदा मिलेगा अभी आपके लिए रख लिया थी। अच्छा ओए हो, अरे 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 भाई, ये हमारे लिए जो है ना वो फालूदा मौजूद है भाई, हम तो निराश हो गए थे। हैं, ये रबड़ी दूध है या फालूदा है? दूधा ही है। अच्छा ये फालूदा ही है, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप का ये फालूदा, ये कितने का होता है गिलास, क्या सीन होता है? हीरो। अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ, 110 का देते हैं। 110 का ये पूरा भर के होता है या आधा होता है? ये वाला गिलास। अच्छा वो वाला गिलास होता है, ये हमारे लिए ज़रा स्पेशल आइटम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। बस भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार। भाई अभी हम जाते हुए जो है ना चरगा खाने से पहले अब्बास भाई के पास होते हुए गए थे, तो इन्होंने स्पेशली हमारे लिए रख लिया है ये, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पी के देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह।
आपने जो रख लिया ना ये ऐसा ठंडा मलाईदार हल्की सी, इसके अंदर फालूदे के जो नूडल्स होते हैं वो भी हैं, गाढ़ा गाढ़ा मीठा मीठा जायका, हाय 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 मज़ा आ गया। हाईलाइट ऑफ द डे जो थी ना वो सबसे आखिर में आई है, ये फालूदा दूध फालूदा, नो डाउट यार। तो भाई इसी मज़ेदार से दूध फालूदे के साथ हमारी आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम हुआ। रंग महल पे आए तो ये बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप का जो है ना ये दूध फालूदा और दूध सोडा भी मैं देख रहा हूँ कि दूध सोडा जो है ना वो भी लोग पी रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्वाद आ गया भाई।